मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईईडी बम डिफ्यूज करने वाली दंतेवाड़ा डीआरजी की महिला कमांडो लक्ष्मी कश्यप और विमला मंडावी से बातचीत कर उनके साहसिक कार्य की सराहना की। मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो सहित पुलिस बल का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जिस हौसले और साहस के साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नक्सली मोर्चे पर काम कर रहे हैं, उससे जल्द ही बस्तर क्षेत्र में नक्सली समस्या के उन्मूलन में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को अपने कार्यों से क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतने में सफलता मिल रही है। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण थाना क्षेत्र के सूरनार टेटम मार्ग में नक्सलियों ने 10 किलो का आईईडी बम लगा रखा था। पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद फोर्स ने बम निकाला। डीआरजी के एंटी बम स्क्वाड की टीम में शामिल महिला कमांडो लक्ष्मी कश्यप और विमला मंडावी ने बम को डिफ्यूज किया। महिला कमांडो विमला मंडावी ने मुख्यमंत्री को अपने कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जब ग्रामीण इलाकों में नया कैंप खोला जाता है तो वे लोग ग्रामीणों के बीच जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि नया कैंप आपकी सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। बस्तर आईजी पी सुंदर राज सहित पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी और डीआरजी के एंटी बम स्क्वाड टीम के सदस्य इस मौके पर उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज़।